हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे नमक से पूरे घर की सफाई कर सकते हैं, और नमक हमारे क्लीनिंग पर्पस में और भी हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। किचन के काम से लेकर के घरेलू काम से लेकर के नमक हमारे बहुत ही उपयोगी है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या हमारे नमक काम आ सकता है। लेकिन मेरी टिप बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अब सबसे पहले पोछे की बाल्टी में आपको 2 चम्मच नमक लेकर के डाल देना है, और उसके बाद आप नॉर्मली जैसे पोछा लगाते हैं आप वैसे ही अपने घर में पोछा लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर से जो जितने भी कीड़े मकोड़े और जहाँ से भी चींटियाँ आती हैं तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। और जैसा कि मेरे बड़ों ने बताया है कि घर में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप नमक डाल के उसके बाद आप पोछा लगाएंगे तो घर में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट भी होता है, तो उससे जो है काफ़ी आपके घर क्लीन हो जाता है, कीड़े मकोड़े रहित हो जाता है, चींटियां वगैरह तो आती नहीं है। तो अगर आप रेगुलरली लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में नेचुरल शाइन और चमक भी आने लगी है, आपका जो फर्श है वो चमक उठता है। तो ये आप जरूर ट्राई करें कि 2 चम्मच नमक जरूर अपने पोछे की बाल्टी में डालें, और उसके बाद आप अपने घर की सफाई करें, क्योंकि अब दीपावली भी आने वाली है तो आप घर के कोनों कोनों की सफाई करनी है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। जहाँ पे कहीं क्या होता है दाग धब्बे लग गए हो, तो वहाँ पे आप सिंपली लेके आधा चम्मच नमक डाल के थोड़ा सा उस पर पानी स्प्रेड कर दीजिए, और उसके बाद आप लेकर के उसको अच्छे से थोड़ा सा रगड़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से जितना ग्रीसी पार्ट है या जो धूल मिट्टी जम गई है वो काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। और नमक हमारे घर में हमेशा ही अवेलेबल होता है, तो ये काफ़ी हमारे काम भी आएगा। अब ये जैसे घर की एंट्रेंस है तो अक्सर यहाँ से चींटियाँ आती हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि निगेटिव एनर्जी भी आपका जो मेन एंट्रेंस गेट होता है वहाँ से आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नमक लेकर के ऐसे ही, ये देखिए ऐसे ही लेकर के स्प्रेड कर देना है। और तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो अक्सर ये देखिए जैसे ये कोने हैं, ये जो यहाँ पे कोने हैं तो यहाँ पे अक्सर चींटियाँ आती हैं, तो यहाँ पे भी आप स्प्रेड कर देंगे तो चींटियाँ वगैरह या कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। इसको स्प्रेड कर दीजिए, उसके बाद जब आप पोछा लगाइए तो इसको लेके साफ कर देंगे तो वहाँ पे चींटियाँ कीड़े मकोड़े आपके नहीं आएंगे, और आपका घर एकदम अच्छा चमकदार भी बन जाएगा। इससे आपका घर बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है अगर आप नमक डाल करके पोछा अपना लगाएंगे घर में। तो घर की एंट्रेंस पे नमक छिड़कने के बाद आप सिंपली लेके, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोछे की बाल्टी में लेकर के पूरे घर को आप अच्छे से साफ करेंगे तो आपके फर्श में बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी, क्लीन हो जाएगा, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, जो चींटियाँ आती हैं वो भी नहीं आएंगे, और आपके जो फर्श में है नेचुरल अच्छी शाइन आ जाएगी। ये देखिए अब जैसे कप है तो इसमें जो है अक्सर चाय के स्टेन्स या कॉफ़ी के स्टेन्स लग जाते हैं, तो वो नॉर्मली आप जब भी साफ़ करते हैं तो अच्छे से जाते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें नमक लेकर के सिंपली डालिए आप, और उसके बाद आप इसको किसी भी स्क्रबर से जिससे भी आप बर्तन साफ करते हो इसको अच्छे से लेकर के आप ये देखिए, और अब हम इसको धुल के आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी ये सारा जो स्टेन है ये नमक से चला जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से ये कप अंदर से देखिए साफ हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है नमक में, और ये बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्ट भी कर देता है। तो ये देखिए नमक से अगर आप साफ करेंगे तो सारे स्टेन्स निकल जाएंगे और कप आपकी नई सी चमक आ जाएगी। अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि चाय के निशान, कॉफ़ी के निशान जो वाइट कप होते हैं उससे नहीं जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है स्टेन्स निकालने का, और वो भी नेचुरल तरीके से। नमक आपके घर में हमेशा ही अवेलेबल होता है। ये देखिए अब जिससे आप बर्तन साफ करते हैं उसको भी डिसइंफेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने दिन भर के बर्तन इससे साफ कर सकते हैं। आपके पास स्पॉन्ज जो होता है आप उसको भी इसी तरीके से साफ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आप रात को जब भी आप अपना काम ख़त्म करके जाते हैं तो उसके लिए एक बर्तन में आप पानी लेके डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच नमक लेके ऐड कर दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और ये जो आपका जो साफ करने वाला स्क्रबर होता है या स्पॉन्ज जिससे भी आप अपने बर्तन साफ करते हैं इसको रात भर
सोख रहने दीजिए, तो आप देखेंगे जो इसमें जो ग्रीस वगैरह होती है, जो गंदगी होती है, वो तो निकल ही जाती है रात तक, और साथ ही साथ ये अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाता है। और ये क्लीनिंग के लिए भी, क्योंकि आप अपने दिन भर के बर्तन इससे साफ करते हैं, तो इसको भी साफ रखना और डिसइंफेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा, नमक के पानी में अगर आप इसको रात भर सो करके रखेंगे और फिर सुबह इसको नॉर्मल पानी से लेके धुल लीजिए सिंपली, तो ये बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्ट हो जाता है और आपके फिर नेक्स्ट यूज के लिए ये तैयार हो जाता है, बहुत ही क्लीन हो जाता है। तो ये तरीका बहुत ही ज्यादा कारगर है, आप इसको जरूर करा करिए। अब ये देखिए नमक हमारे कितना काम आ सकता है, जो मिक्सी की ब्लेड होती है वो काफी हद तक आपके देखेंगे कि काम करते करते फिर वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती जैसा कि शुरुआत में रहती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मिक्सी जो जार है उसमें लेकर के डालना है, पूरा आधा कप नमक लेके डाल दीजिए। उसके बाद आप लेकर के इसको आधे से 1 मिनट के लिए चला देंगे और फिर 2-3 बार आप ऐसा करेंगे 15 दिन में, तो आप देखेंगे जो ब्लेड की जो धार है ये फिर से वापस आ जाती है और आपके जो मिक्सी के ब्लेड है ये फिर से दोबारा से बहुत ही अच्छे से काम करने लगते हैं। तो ये आप 15 दिन में पीरियडिकली ऐसा करेंगे तो आपकी मिक्सी फिर नए जैसी अच्छे से काम करने लगेगी। ये मैं अक्सर ही करती रहती हूँ और ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी टिप है। अब ये बॉटल साफ करने के लिए भी नमक बहुत ही ज्यादा काम आता है। सिंपली हमें क्या करना है, इसमें आधा आधा बॉटल हमें ठंडा पानी लेना है और उसके बाद इसमें 2 चम्मच नमक लेके ऐड कर देना है। देखिए 1 चम्मच डाला मैंने, 2 चम्मच डाला, और अगर आपके पास नींबू हो तो छोटे छोटे नींबू जो होते हैं उसके छोटे छोटे स्लाइस काट के भी डाल दीजिए, तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है। और इसके बाद आप लेकर के इसको शेक कर दीजिए, खूब अच्छे से लेके शेक कर दीजिए कि जिससे अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाए, क्लीन हो जाए। अक्सर लोगों को क्या होता है, कहते हैं कि बॉटल से यूज करने के बाद थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगती है, तो अगर आप ऐसा रेगुलरली हफ्ते में एक बार या 3 से 4 दिन में एक बार करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बॉटल से जो महक आती है वो आना बंद हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी बॉटल क्लीन तो हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि नमक जो है नेचुरल डिसइंफेक्ट होता है, और जो पुरानी कोई ब्रश हो उसको अच्छे से स्टरलाइज करके साफ करके आप इसकी नेक भी जरूर साफ करें, नमक के पानी का घोल बना लें और इसकी नेक भी जरूर साफ करें। यही पानी आप लेके यूज कर सकते हैं और इसकी नेक को भी साफ करिए, तो बहुत ही अच्छी आपकी बॉटल साफ हो जाएगी। क्योंकि और ये सेम आप बच्चों की बॉटल के साथ भी कर सकते हैं, जो बच्चों की बॉटल होती है या जो ऑफिस आप ले जाते होंगे, तो सेम आप इसके साथ भी कर सकते हैं। और इसके बाद आधे घंटे तक आप इसको रहने दें इस पानी को ऐसे ही, और उसके बाद आप धुल के इसको बॉटल को अपने सुखा लेंगे, नॉर्मल पानी से धुल लें उसके बाद, और तो आप देखेंगे कि आपकी बॉटल जो है अच्छी साफ हो गई है और स्टरलाइज हो गई है। ये देखिए जैसे ये जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, तो अक्सर वो भी ग्रीसी हो जाता है और बार बार आप लेके इसको साफ नहीं कर सकते हैं किसी भी सोप वगैरह से और किसी भी उससे आप, क्योंकि केमिकल से, क्योंकि आप इससे खाना बनाते रहते हैं हमेशा, तो आप बार बार इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, नमक लेकर के ऐसे ही स्प्रेड कर दीजिए, तो इससे कि जैसा कि मैंने बताया कीड़े मकौड़े भी नहीं आते हैं, चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं। और उसके बाद आप पानी लेके स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद आप लेके इसको अच्छे से स्क्रब कर दीजिए ऐसे ही। देखिए ऐसे ही साफ कर देंगे कोई पुराने कपड़े से लेकर के, जिससे आप अपने किचन की स्लैब साफ करते हो, देखिए ऐसे ही ऐसे साफ कर दें। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिसइंफेक्ट तो कर ही देता है, साथ ही साथ ये क्लीन भी कर देता है। उसके बाद एक साफ कपड़ा लेकर के आप इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके बाद आप सूखे साफ कपड़े से लेके इसको पोंछ लीजिए, जो जहाँ पे आप किचन का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम करते हैं, तो देखेंगे वो आपका अच्छे से डिसइंफेक्ट हो गया, क्लीन हो गया और फिर दोबारा रीयूज के लिए आप इसको काम कर सकते हैं इससे। क्योंकि अक्सर हम बार बार जब भी खाना बनाते रहते हैं तो बार बार हम केमिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे खाने के सामान रहते हैं रखे रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा नेचुरल तरीका है। नमक हमेशा ही घर में अवेलेबल होता है, इसीलिए मैं ये टिप नमक से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। अब ये जो गैस स्टॉप है आपकी, जहाँ पे आप खाना बनाते रहते हैं वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि ग्रीसी हो जाता है कई बार, तो वहाँ पे भी सिंपली आप लेके नमक लेके स्प्रिंकल कर दीजिए
और उसके बाद पानी का छिट्टा दे दीजिए और वही सेम प्रोसेस से आप लेकर के साफ कर लेंगे तो आपकी जो गैस स्लैब है ये अच्छे से साफ हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया रात को अक्सर चींटियां वगैरह आती हैं तो वो भी नहीं आएगी। रात को आप ऐसे ही नमक के पानी से जरूर गैस की टॉप को साफ करिए तो आपकी जो है गैस स्लैब जो टॉप होती है वो एकदम अच्छे से साफ हो जाएगी। अब ये मैंने इसका स्टैंड निकाल दिया है, ये लेकर के इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये सेम प्रोसेस से आप लेके पूरी अपनी गैस टॉप जो होती है आप लेके साफ कर सकते हैं। ये नेचुरल तरीका है, ये मैं नेचुरल तरीका आपको बता रही हूँ क्लीनिंग का। नमक हमारे कितना काम आ सकता है, ये आपके नेचुरल तरीके से डिसइंफेक्ट कर देता है। ये देखिए, अब उसके बाद एक बार और पोछिए और उसके बाद एक साफ कपड़े से लेकर के इसको साफ कर लीजिए। अब इसके बाद दो बार मैंने पोछ लिया, उसके बाद साफ कपड़े से लेकर के क्लीन कर लीजिए। ये देखिए कैसी नई सी चमक आ जाती है और जो ग्रीसी पार्ट रहता है वो भी चला जाता है, जो थोड़े स्टेन्स रहते हैं वो भी चले जाते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है नमक से अपनी गैस टॉप को साफ करने का, नेचुरल तरीके से साफ करने का, बिना ही केमिकल के साफ करने का। अब ये मैं आपको कपड़ों से रिलेटेड टिप बताने जा रही हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको जनरल ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नए कपड़े में ओरिजिनल जो कलर उसके ब्राइटनेस बना रहे, कलर इसका अच्छा बना रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच नमक लेके बाल्टी में लेकर के आप डाल दीजिए और उसके बाद अपने जो नए कपड़े हैं उसको लेकर के उसमें डिप कर दीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो आप देखेंगे जो उसके जो कलर रहता है जो नए कपड़ों का वो इंटैक्ट हो जाता है। और उसके बाद आप नॉर्मल वॉश करेंगे तो आपका जो जो कपड़े रहते हैं ओरिजिनल जो कलर रहता है उसका इंटैक्ट हो जाता है और काफ़ी ब्राइट रहते हैं। और जो बच्चों की यूनिफॉर्म रहती है ये सब रहता है उसके लिए अगर आपको साफ करना है तो जब भी आप अपने कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में या किसी भी चीज़ में तो बाल्टी में, तो आप उसमें भी 1 चम्मच नमक लेके डाल सकते हैं तो आपके रंगीन कपड़े रंगीन बने रहेंगे और काफ़ी हद तक जो कलर फेड होने लगता है कपड़ों में तो वो प्रॉब्लम की समस्या चली जाएगी। अक्सर लोग की प्रॉब्लम रहती है कि कलर जो है फेड होने लगता है कपड़ों में, तो उसमें भी नमक हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब ये जो कटिंग बोर्ड है अब इसको भी आप केमिकल से बार बार साफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको इसको तुरंत आपको सब्जियां काटनी रहती हैं तो आपको बार बार इसका यूज़ करना रहता है। तो उसके लिए भी आप क्या करें, सिंपली जो है नमक लेके स्प्रेड कर दें और उसके बाद नींबू ले लें और उसके बाद नींबू से लेकर के अच्छे से रब करें अपने कटिंग बोर्ड को, उसको लेके अच्छे से रब करिए। ये देखिए ये आपके जो कटिंग बोर्ड है उसको स्क्रब भी कर देता है और नेचुरल तरीके से डिसइंफेक्ट भी कर देता है और जो नींबू है वो ग्रीसी पार्ट जो है वो निकाल देता है। ये देखिए ऐसे ही लेके स्क्रब करिए आप, क्योंकि हम इस पे सब्जियां काटते हैं तो अगर हम इसमें सोप वगैरह से इसको बार बार धुलते हैं चाहे जितना भी साफ करते हैं तो थोड़ा सा उसमें रह जाता है, उसकी महक आ जाती है। तो नेचुरल तरीके से अगर हम साफ करेंगे तो ये क्लीन तो हो ही जाएगा साथ ही साथ अच्छे से डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा। ये देखिए इसको लेके अच्छे से स्क्रब कर लेंगे और इसके बाद साफ पानी से लेके या गीले कपड़े से लेके पोंछ लेंगे 2 से 3 बार, नहीं तो साफ पानी से लेके धुल भी सकते हैं आप उसको दोबारा यूज के लिए। देखिए इसके बाद मैंने इसको नॉर्मली पानी से धुल लिया, उसके बाद मैं इसको सूखे कपड़े से तुरंत लेके पोंछ लूंगी और ये हमारा कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड दोबारा से यूज के लिए एकदम तैयार है, साफ सुथरा। अब ये शीशे की सफाई के लिए भी नमक हमारा बहुत ही काम आता है, तो जब भी आप घर के शीशों की सफाई कर रहे हैं तो पानी ले लें और पानी थोड़ा ज़्यादा रहे उसमें 2 चम्मच नमक लेके डाल लीजिए और नमक जो है अच्छे से उसमें डिजॉल्व हो जाना चाहिए, अच्छे से उसको घुला लीजिए कि नमक एकदम रहे नहीं, इसको पानी में अच्छे से घुल जाए, ऐसा आपको सॉल्यूशन तैयार करना है। उसके बाद आप उससे कपड़ा लेके डिप करिए उसमें
और उसके बाद आप उसको स्क्वीज कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में जितने शीशे रहते हैं शीशों की सफाई करेंगे तो शीशों में बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है, एकदम क्लीन हो जाता है। यही सेम चीज, यही सेम सॉल्यूशन आप जो कार होती है आपके घर में, कार के शीशे भी आप नमक के पानी के सॉल्यूशन से साफ कर सकते हैं। बट उसमें नमक जो है अच्छे से घुल जाना चाहिए उस पानी में। उस पानी से आप अपने कार के शीशों की सफाई करेंगे तो आपके जो कार के जो शीशे रहते हैं उसमें एकदम नेचुरल अच्छी शाइन आ जाती है। और उसके बाद साफ पानी से लेके पोंछ लीजिए तो आपकी जो कार के शीशे हैं, जो घर में जो शीशे रहते हैं उसमें बहुत ही अच्छी नेचुरल शाइन आ जाती है। साथ ही साथ ये सिल्वर जो होते हैं, जो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नमक और नींबू के सॉल्यूशन से आप जो घर में तांबे तांबे के जो बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, सिंपली नमक और नींबू का सॉल्यूशन लेके आप तांबे तांबे के बर्तन साफ करेंगे तो बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है। तुरंत आपके तांबे पीतल के बर्तन चांदी के बर्तन साफ हो जाते हैं। तो उसमें भी नमक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है और ये घरेलू काम में तो बहुत ही काम आता है। अगर आपके पैर दर्द हो रहा हो तो 2 चम्मच नमक लेके गरम पानी में लेके डाल लीजिए और उसके बाद अपने पैर लेके उसमें आधे घंटे तक भिगोइए तो आपके पैर दर्द एकदम छूमंतर हो जाता है जब भी आपको बहुत ज़्यादा थकान हो। और सिंपली माउथ वॉश के भी बहुत काम आता है। सिंपली लेके आप इसका घोल तैयार करिए, 1 चम्मच नमक लेके 1 गिलास पानी में लेके डिजोल्व कर लीजिए, उससे गार्गल करिए तो अच्छा माउथ वॉश के लिए भी यूज होता है। तो ये सब कुछ नेचुरल तरीके हैं जो नमक हमारे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। नमक और भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसके मैं ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैंने बेसिकली क्लीनिंग पर्पज के लिए नमक का बताया आपको कि नमक हमारे कितना ज्यादा काम आ सकता है। तो नमक, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, अक्सर केमिकल लोग नहीं यूज करते थे और घर में नमक हमेशा अवेलेबल होता था, तो ये नमक हमारे बहुत काम आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए तो प्लीज आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा।